अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो आज आपके लिए लेके आए हैं प्लम्बर की वीडियो दोस्तों। तो अभी हम बात करते हैं यार कि काम यहाँ पे कैसा होता है और सैलरी क्या होती है, कैसे काम मिला, कितने साल हो गए मिंटू भाई को इधर। यार शुरू करने से पहले दुबई की अपडेट्स देता हूँ, दुबई जॉब्स के बारे में बता देता हूँ, फ्लाइट्स के बारे में बता देता हूँ कि कब चालू होंगी। तो अगर गाइस आप दुबई जॉब्स अगर गूगल में आप सर्च करते हो तो बहुत सारी आपको वैकेंसी मिल जाएंगी, लेटेस्ट अप्लाई फॉर द लेटेस्ट वैकेंसी इन दुबई जॉब, टॉप 10 रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लीडिंग सिस्टम लिस्ट, मतलब बहुत सारे आपको जॉब्स के बारे में वेबसाइट्स मिल जाएंगी, ईमेल्स भी मिल जाएंगे आपको कि इस ईमेल पर अपनी सीवी भेजें, रिज्यूम भेजें। लेकिन आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है दोस्तों, जब आपका रिप्लाई आता है उधर से, आप तो ईमेल कर दिए, जब रिप्लाई आता है उसके बाद कुछ पैसों की डिमांड दिए कि हमें इतने पैसे आप भेजिए, हम आपका वेरीफाई करेंगे या कुछ मतलब सर्विस चार्ज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, पैसे नहीं भेजने आपको जब तक कि ऑफ़र लेटर आपको नहीं मिलता है। कंपनी आपको ऑफ़र लेटर देती है जब आपको जब सेलेक्ट करती है जॉब के लिए, आपकी सीवी वेरीफाई करती है, सीवी चेक करती है, जब आप उसके काबिल होते हो, उस कंपनी के काबिल, उस काम के काबिल होते हो, तो आपको एक जॉब ऑफ़र लेटर जनरेट किया जाता है कंपनी की थ्रू। वो जॉब ऑफ़र लेटर जब आपको मिलेगा तो आप ICA गूगल में या वेबसाइट पर जाके, ICA की वेबसाइट पर जाके आप उसको चेक कर सकते हो, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इस तरह आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में साथ बताया भी है, तो आपको फंसना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी हालात कुछ ठीक नहीं है और फ्लाइट भी इंडिया की सारी बंद है। अभी इंडिया पाकिस्तान, इंडिया के तो 24 अप्रैल से बंद हो गई थी 25 से, और अभी कल की बात है, कल की न्यूज़ है, बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान ये सब भी फ्लाइट UAE ने सस्पेंड कर दी, मतलब कोई भी अब पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश से कोई भी अभी नहीं आ पाएगा। पूरा कब तक बंद हुई है कोई पता नहीं। तो चलते हैं अभी वीडियो की तरफ, पूरी वीडियो देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो आज आपके लिए लेके आए हैं प्लम्बर की वीडियो दोस्तों। अभी काम कर रहे थे, थोड़ा रेस्ट टाइम मिला 1 बजे, तो हमने कहा एक वीडियो शूट करते हैं प्लम्बर के लिए। तो आज इंटरव्यू लिया है, बेसिकली प्लम्बर के काम में क्या सैलरी होती है यहाँ पर दुबई में और कैसे काम होता है, कितनी ड्यूटी होती है इसमें, और एक बंदे का इंटरव्यू लिया है, वो पंजाब का है और एक बिहार का है। तो आई होप आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। और मैंने ये भी पूछा है कि दुबई कैसे आए, मतलब आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिंटू भाई क्या हाल है, क्या हो रहा है इधर? प्लम्बर का काम हो रहा है। तो गाइस देखिए कितनी मेहनत से लोग काम कर रहे हैं, OTS के अंदर लाइट भी नहीं है, ऐसे नहीं पैसा मिलता दुबई में, खून पसीना एक करना पड़ता है। ये तो बात सही है यार, है ना? देखो वो, देखो बंदा, वो रोजे से भी है, ड्यूटी ड्यूटी है, ड्यूटी करना पड़ेगा मेरे भाई, ड्यूटी के बिना इधर दुबई में फिर एक लगाओ, ताकत लगाओ, ऐसे नहीं अंदर जाएगा, ताकत लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त। ये नीचे पंप रूम वाला पाइप है, ये मेन पाइप है, इससे पानी जाएगा टंकी में, मेन पाइप, और ये ओवरफ्लो जो टंकी का ओवरफ्लो होएगा ना, हाँ, वो आएगा नीचे वापस है, हाँ वो नीचे आएगा। इसको क्या बोलता है, हीटर बोलता है ना ये? इसको इसका असली नाम वैसे प्लास्टिक वेल्डिंग पाइप मशीन है। अच्छा, प्लास्टिक वेल्डिंग पाइप मशीन है। और सब ठीक है? ठीक है यार। कितने है? 6 फ्लोर की बिल्डिंग है ना ये? हाँ, ऊपर मोटी डाल के 6 फ्लोर बन रहा है। अच्छा,
ये पूरा लास्ट है देखो, तकरीबन ऊपर से हम लोग डाल दिया है, इसके बाद एक फ्लोर और बाकी है। और मिंटू भाई हमें बताएंगे कैसे काम इन्होंने काम किया है पूरा। तो मिंटू भाई ये मेन, हाँ हाँ, जो अभी आउटर से काम करते हो ये वो पाइप है मेन के लिए है। अच्छा, ये मीटर रूम में जा रहा है सप्लाई के लिए। हाँ, ये 5-4-3-2-1-G। वाह। और ये गार्बेज, ये गार्बेज के लिए है सफाई करने के लिए। बूस्टर पंप के लिए है। ये कितना लीटर का टंकी है? ये 800 गैलन है, तकरीबन 4 टंकी है। अच्छा, 800 गैलन है। तो गाइज देखिए बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। अभी रेस्ट का टाइम है। हाँ, रेस्ट का टाइम है, इसलिए हम लोग वीडियो शूट कर रहा है, नहीं तो ड्यूटी टाइम में शूट नहीं कर सकता यार। बहुत मुश्किल है भाई। हाँ, ड्यूटी टाइम मतलब काम काम होता है, ड्यूटी ड्यूटी होती है भाई। इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और किरान का भी इंटरव्यू जल्दी मिलेगा हो सकता है। तो अभी हम बात करते हैं यार कि काम यहाँ पर कैसा होता है और सैलरी क्या होती, कैसे काम मिला, कितने साल हो गए मिंटू भाई को इधर यार? मेरे को इधर तकरीबन 16 साल से ऊपर हो गए। 16 साल हो गए, वल्ला बहुत हो गए यार। और ये मेरा तीसरा कंपनी है। ये तीसरा कंपनी है, कंपनी अच्छा है, बहुत अच्छा कंपनी है। हाँ हाँ, कंपनी तो अच्छा है, मैं भी जानता हूँ यार। और अच्छा, इसमें आपको सैलरी क्या मिलती है यार? अच्छा अच्छा, ओवर टाइम है? अच्छा, कंपनी बहुत अच्छा है। वीजा वगैरह फ्री देती है? चलो माशाल्लाह, ऐसे ही सबका होना चाहिए, लेकिन यार बहुत लोग आके इधर फंस जाते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या होती है सैलरी प्लम्बर? स्टार्टिंग में क्या होती है सैलरी अगर प्लम्बर? कंपनी कंपनी का हिसाब होता है। हाँ वही, कोई कंपनी छोटी है तो कम पैसे लगाती है सैलरी, है ना? मिनिमम स्टार्टिंग क्या होती है? मिनिमम तो तकरीबन 1200 हजार प्लस 200 है स्टार्टिंग में। कंपनी बड़ा है, ये थोड़ा अच्छा देती है सैलरी। जी जी, 1200 देती है। तो काम देखेगा, खुश होएगा। अच्छा, बहुत लोग ना इधर, इन लोगों को बहुत लोगों को काम पता नहीं है यार, वो लोग आना चाहते हैं इधर, उन लोगों को क्या आप बोलेंगे? मतलब काम सीख के आना चाहिए या काम सीख के आना चाहिए इधर दुबई में? आने का वो फायदा नहीं है, वही फिर सैलरी। हाँ, सैलरी कम मिलेगी, बाद में बोलेंगे भाई हमें सैलरी बहुत कम है। ये बात है, दुबई बहुत अच्छा कर रही है। हाँ,